आगामी 22 जनवरी को लेकर लगातार जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के आदर्श थाना रुपड़िया पर सभी धर्म गुरुओं के साथ आज धर्माचार्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी महोदय ने सभी से आग्रह किया कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा कायम रहे, और सभी से ये निवेदन भी किया कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो पाए। मनोबल को गिराया जाए, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना हो गई थी तो हम लोगों ने समय रखते हुए ठीक कर लिया। इन लोगों ने उस पर हो सकता है समाज में भी लगाया हो, लेकिन उसके हमने तो बताया था कि उसके पास भी अगर कोई और दिमाग किसी प्रकार का हो तो वो मेरे पास वीडियो फुटेज है उसको भी। और हम ये भी आप लोगों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि मेरा विनम्र निवेदन है कि जो शासन प्रशासन और पुलिस और समाज का जो मोटिवेशन चल रहा है कि आप कैमरा लगाओ अभियान, जो हमारा कैमरा लगाओ अभियान सरकार का चल रहा, पुलिस का चल रहा, इस अभियान को भी आप लोग बल दीजिए, अपने भी लगाइए और अपने इर्द गिर्द भी सभी लोगों को कैमरा लगाने के लिए एक मोटिवेशन करिए। अभी वो जो घटना खुली थी उसमें कैमरे का ही मेन रोल था, हम सब का नहीं था। लोगों ने तमाम तरह की बातें उसको देने का प्रयास किया, लेकिन अच्छे लोग हैं, निश्चित रूप से रुपये दिया के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा है कि यहाँ नगर परिषद व्यक्ति अपने रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, पूरा खास और तमाम तरह की बातें वहाँ होती है जहाँ लोग बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। पता चलता है कि गुरु जी के पास अच्छे खासे चल रहे हैं तो जो अगर बगल रख रहते हैं वो सोचते हैं इनका कैसे ठीक ठाक है, मेरा क्यों नहीं है, तो अपना तो अच्छा करेंगे नहीं, इनका ही बिल के ठीक कर लो खराब कर लो, यही समाज में। लेकिन नहीं, रुपये दिहा के लोग निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। 5 महीना हमें हो गया, आप लोगों की साफ करते हुए कभी भी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आई, और आयुक्त बैठ करके मिलकर हम सब ने कर लिया, आगे भी हम लोग